हेलो दोस्तों, स्वागत है चड्डा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल में और आज हम हैं संजीवनी डेयरी सोनीपत हरियाणा में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें डेयरी मशीन के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसका खुशी से जवाब देंगे। अब हम आपको बताते हैं इस प्लांट की खासियत। ये कंप्लीट प्लांट 10 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें काउ फार्मिंग भी है और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट भी है और ये बिल्कुल ही हाइजेनिक एरिया है और जिसमें पाउच पैकेजिंग और बॉटल पैकेजिंग होती है। दोस्तों, यहाँ पे ना सिर्फ मिल्क प्रोसेसिंग होता है बल्कि यहाँ पे कैटल फार्मिंग भी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब करीब 400 गायों का पालन होता है जिनकी मिल्किंग करके यहाँ पे मिल्क को प्रोसेस करके मार्केट में पहुँचाया जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरे प्लांट की प्रोसेसिंग किस तरह से है और इक्विपमेंट किस तरह से सेट किए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये बैलेंस टैंक है जिसमें हम कैन से मिल्क को यहाँ पे डालते हैं और ये मिल्क यहाँ से बैलेंस टैंक से इस फिल्टर के द्वारा फिल्ट्रेशन करके और इस पंप से हम BMC में डालते हैं। ठंडा करके और आगे हम पास्टराइजेशन प्लांट के लिए ले जाते हैं। दोस्तों, इस बल्क मिल्क कूलर में ये एक एजिटेटर लगा हुआ है। इस एजिटेटर का काम यह है कि यह मिल्क में जो फैट ग्लोबल है उसको ऊपर इकट्ठा नहीं होने देता है, वो मिक्स रहता है दूध के साथ ही। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक एयर वेंट भी लगा हुआ है और इसके अलावा साथ में आप देख सकते हो कि ये मिल्क का इनलेट है जिससे पंप द्वारा मिल्क आता है। दोस्तों, ये हमारा पास्टराइजर है जो कि 500 लीटर पर आवर का है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हम मिल्क लेते हैं, यहाँ पे हम 4 डिग्री का मिल्क लेते हैं और ये हमारा प्लेट हीट एक्सचेंजर है जिसमें हम मिल्क लेते हैं और इसमें मिल्क हीट होता है। हीट होने के बाद यहाँ पे 4 डिग्री पे मिल्क ठंडा हो जाता है। ये हमारा फीड पंप है जिससे हम पास्टराइजर में मिल्क को फीड देते हैं और ये माइक्रोवाल है जिसको हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा पास्टराइजेशन पैनल है जिसमें आप देख रहे हैं कि इस टाइम 73 डिग्री पे मिल्क पास्टराइज हो रहा है और मिल्क 1 डिग्री पे ठंडा होके पास्टराइज मिल्क स्टोरेज टैंक में जा रहा है। दोस्तों, ये हमारा पास्टराइज मिल्क स्टोरेज टैंक है जो कि एक बल्क मिल्क कूलर भी है ताकि हम पास्टराइज करने के बाद भी मिल्क को 4 डिग्री पे रख पाए, उसका टेम्परेचर ना बढ़े जिससे हमारी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे पंप लगा हुआ है आउटलेट के साथ जिसमें हम ये हमारा पास्टराइज मिल्क है जो कि मिल्क पास्टराइजर से आ रहा है और यहाँ से हम आगे पंप के द्वारा मिल्क को आगे पैकिंग और प्रोसेसिंग में ले जाते हैं। ये आप देखेंगे कि ये हमारे कंट्रोल पैनल हैं जिससे हमारे पास्टराइज मिल्क स्टोरेज टैंक ऑपरेट होते हैं जिनका टेम्परेचर बताता है और उनकी कंट्रोलिंग यहाँ से होती है। ये चड्डा सेल्स द्वारा लगाई गई एक पाउच पैकेजिंग मशीन है जिससे हम पाउच पैकेजिंग करते हैं। तो देखिए किस तरह से इसका ऑपरेशन होता है, किस तरह से पैकेजिंग की जाती है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। इसमें आधे लीटर के और 200 ml के और 1 लीटर के पाउचेस आप पैक कर सकते हो। जब पैकिंग होती है मिल्क की पाउचेस में तो उस वक्त मिल्क का टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री होना चाहिए। हैं बॉटल पैकेजिंग पे, देखिए ये मिल्क बॉटल हैं जो यहाँ से इन करती हैं और यहाँ कन्वेयर के थ्रू मिल्क बॉटलिंग के लिए जाती हैं और आगे यहाँ पे जो फिलिंग हेड है फुल्ली हाइजेनिक मशीन है जहाँ पे बैक्टीरियल चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बिल्कुल एंटी बैक्टीरिया मशीन है ये, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलिंग हेड है, यहाँ पे 6 हेड मिलेंगे आपको, एक साथ 6 हेड की फिलिंग कर सकते हो आप इस बॉटल में और फिल होने के बाद ये कन्वेयर के द्वारा आगे कैपिंग के लिए जाती है। कैपिंग भी कर देती है और आप देख सकते हैं ये किस तरह से कैपिंग होने के बाद ये मिल्क फिलिंग के बाद ये बॉटल इस तरह से पैक हो जाती है। तो अगर आप मिल्क पास्टराइज कर रहे हो
तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर करना। दोस्तों ये मिल्क कोल्ड स्टोर है जो चड्डा सेल्स द्वारा लगाया गया है। If you find our video informative, then share this video, subscribe to our channel, and don't forget to press bell icon for regular updates on dairy equipment. If you have any queries, give us your comments below and we will be happy to reply.